नमस्कार दोस्तों, पॉल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। आज हम आप सबके लिए ब्रेड रोल की रेसिपी लेके आए हैं, जिसके लिए हमें ब्रेड तो चाहिए, साथ में बॉयल्ड आलू, प्याज, जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर है, कैप्सिकम बारीक कटा हुआ, कॉर्न लिया है हमने स्वीट कॉर्न, हरा धनिया, अदरक और हरा मिर्चा नमक के साथ। तो ये बॉयल्ड आलू में हम सारे इंग्रेडिएंट्स एक एक करके मिलाएंगे। फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी करते रहिएगा। और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को हमारा ये चैनल शेयर कीजिएगा, हमारी रेसिपी शेयर कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, हम एक एक करके इसमें सारे वेजिटेबल्स और जो भी हमने इंग्रेडिएंट्स रखे हैं सब मिला दिया है। अब इसमें अपने मनपसंद सब्जी भी डाल सकते हैं। इन सबको मिला के हम इनका एक डो टाइप का तैयार करेंगे। ये भुना जीरा है दरदरा पिसा हुआ, ये सब मिला लेंगे, मिला के अच्छे से मिलाएंगे। अब रोल ब्रेड रोल बनाने के लिए ब्रेड्स लिया है और ये जो हमारा तैयार आलू है बॉइल्ड आलू, और एक बर्तन में हमने थोड़ा सा पानी लिया है, पानी में हमने थोड़ा सा नमक मिलाया हुआ है। तो हम एक एक करके ब्रेड को इस पानी में डिप करेंगे, उसको हाथ से दबा के उसका पूरा पानी निकाल देंगे और फिर उसके अंदर हम अपनी ये फिलिंग्स को भरेंगे अच्छे से और अपने मनपसंद एक शेप देंगे। तो हमने तो ये सिलेंडर टाइप का शेप दिया है। एक एक करके हम सारे ये ब्रेड रोल्स बना के रखेंगे साइड में। फ्रेंड्स, आप इसके अंदर अपनी पसंद की सब्जियां डाल सकते हैं। बच्चों को वेजिटेबल्स एकदम पसंद नहीं आते हैं, तो इस तरीके से आप बनाइए तो बच्चे लोग भी खा लेंगे। उनको बहुत बारीक छोटा काटिएगा। और अगर रात की कोई सब्जी बच जाती है तो उसमें भी इस तरीके से आलू मिला के आप बना सकते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है, ये ब्रेड रोल हम एक एक करके सीखेंगे। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं फ्रेंड्स, कि मैंने ये ब्रेड रोल पूरे बनने के बाद मैंने उसको भी थोड़ा सा मैदा डस्ट किया था। मैदा डस्ट करने से क्या होता है कि ये तेल सक नहीं करता है और आपका ब्रेड रोल एकदम पूरा अंदर तक घस के जब तेल नहीं जाएगा, ड्राई रहेगा। तो जब अच्छे से सिक जाए तो उतार लीजिएगा और फिर आप अपने पसंद की कोई भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इमली वाली चटनी रखी हुई है, उसके साथ सर्व किया है। खाने में बहुत ही बढ़िया बने हैं, आप लोग सब बनाइएगा, खाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसे बनी है। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। देखिए फ्रेंड, मैं ये काट के दिखा रही हूँ। ओ फ्रेंड, आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। बाय फ्रेंड्स।